जिसकी शादी उसको कहते थे मेहरिया भगा दिलस ना करे थे दिलस नहीं का कुछ मेहरिया मतलब बहू को पत्नी को बोलते कहा दादी जी को कि जल्दी करो तो वो बोले कि आवा लग जा बहुत जल्दी कर रही हो आओ लग जा बनारसी अंदाज में गाली देती थी वो आशीर्वाद लेने लोग अधिक आते थे वो गाली उनका प्रेम रहता था गेस्ट हाउस में बढ़िया खाना है सब कुछ है लेकिन इनका भूलते नहीं पाते नहीं नहीं भूलने वाले दुकाने ही नहीं बैठे एक बार जो खा लिया जिंदगी में नहीं खाएगा वो किसी तरह आलू और सीताफल होता है 12 महीना एक ही सब्जी बनता है और बिना लहसुन या प्याज का बनारस में हो चाहे दिल्ली की संसद भवन में आज जब चर्चा दादी का होता है वहाँ और जो बनारस आता है चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो वो चाची की दुकान पर खाते ही जाए बनारस आना है तो चाची की तिजोरी खाना है। हमारा नाम कैलाश यादव है। ये दुकान 108 साल पुरानी है। माता जी के भी पहले से दुकान है। ये चौथी पीढ़ी चल रही है। उनका नाम छन्नी देवी। माता जी गाली हमारी बहुत देती थी। मतलब किसी भी चीज को लेके लोगों को गाली सुनना ही रहता था। कॉन्सेप्ट का यहाँ का कि कचौड़ी और जलेबी से पहले आपको गाली मिलता था तब उस चीज का स्वाद बढ़ जाता था डबल हो जाता था। अगर दादी गाली ना दी तो लोग कचौड़ी खाने के बाद बोलते थे मजा नहीं आया गाली हमने दे दा। मनोज सिन्हा जी बहुत गाली सुने हैं। राजपाल बहुत गाली सुने हैं। यहाँ राज कपूर गुलशन गोपर राजेश खन्ना काफ़ी लोग गाली सुनने आते थे माता जी का। गाली में बहुत मिठास था। दादी पैसा भी नहीं जाता था तो दादी खिला देती थी। कहा तो दिए कि कभी उनसे ना कोई पूछता था ना वो मांगती थी जो जो दे दिया वो ठीक है। कभी वो पैसा मांगे ही नहीं बता गए कि इतना दे नहीं दिए तो भाग कर भाग कर दो। बरसात दादी नहीं देखती थी कि हमारे बच्चे हैं आते हैं खाते चले जाते हैं। दादी में बहुत वो प्यार था। ये तो अंग्रेज के जमाने का दुकान है। अंग्रेज के जमाने का दुकान भाई आज़ादी से पहले बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो आज दो दो दिन एक ही दिन साथ छिपते थे। दादी छिपा कर रखती थी। दादी सब सारा बात बताती थी। लंका समझ लीजिए यहाँ पे खेती होता था। खेती होता था ये रोड थोड़ी था ये बहुत पुराना है। हम बीएचयू शासन के पूर्व महामंत्री 88-89 में बीएचयू में एडमिशन लिए। उसके पहले यहीं शिवाला रहते थे हम लोग बनारसी में। 35-40 साल तो हो ही गया। और चाची तब रहा करती थी। बनारसी अंदाज में गाली देती थी। वो आशीर्वाद लेने लोग अधिक आते थे। वो गाली उनका प्रेम रहता था। जिनसे अधिक प्रेम है जिनसे अपनापन है वो गाली दे के ही एक दूसरे को संबोधित करते हैं। वही अंदाज था चाची का। सही पहुँचते तुरंत कर जाती थी कि कहा भल खाए के नहीं मिले चले ले सारे और गाली दे के तुरंत जो है दो कुड़ी पहले बढ़ा देती थी ले खो। नहीं नहीं एकदम बनारसी गाली मेहरिया भगा दिलस ना करे थे दिलस नहीं का कुछ मेहरिया मतलब बहू को पत्नी को बोलते बनारसी अंदाज। उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज ये लोग पूरा परिवार सोचती है 7-8 9 बच्चे थे पूरा परिवार इसी दुकान से चला आज कहाँ से कहाँ पहुँचा। हाफ फ्राई होके आता है। हाँ वहाँ से बाबू हाफ फ्राई होके आता है या फूल हो जाता है थोड़ा उसका स्वाद बढ़ जाता है। उड़द की दाल की है हींग डाली रहती है हींग वाली कचौड़ी है हींग वाली सब्जी है। सब्जी में भी हींग हो रहा है जी सर। आपकी सब्जी के बारे में बताएंगे वो किस चीज़ का रहता है सब्जी। आलू और सीताफल होता है जी। 12 महीना एक ही सब्जी बनता है और बिना लहसुन या प्याज का। मसाले में इसे क्या रहता है कि लोग इतने पागल है ये सब्जी। ये माता जी का आशीर्वाद रहता है। ठीक है। ये बहुत पुरानी दुकान है और हमें बहुत याद आती है दादी जी की। और जब जब हम आते हैं तब यहाँ खाते हैं और लड़की अहमदाबाद में उसको भी दिखा रहे हैं। और दादी जी ने कहा था इसे कि इसने कहा दादी जी को कि जल्दी करो तो वो बोले कि आवल लग जा। ये हम लोग बराबर याद करते हैं। बहुत जल्दी कर रही हो आवल लग जा। कंचन शर्मा और बीएचयू में हस्बैंड काम करते हैं हमारे और ये परीक्षा लेने यहाँ आते हैं बीएचयू में तो हम यहाँ पे जरूर आते हैं। हमें वहाँ पे सब खाना फ्री मिलता है लेकिन यहाँ का ये भोजन हमें ज़्यादा प्रिय है। लगती गेस्ट हाउस में बढ़िया खाना है सब कुछ है लेकिन इनका भूलते नहीं पाते नहीं नहीं भूलने वाले दुकाने ही नहीं बैठे एक बार जो खा लिया जिंदगी में नहीं खाता। बीएचयू से जो पड़े हुए आज विदेशों में हैं आज भी चर्चा होता है दादी का।
चाहे बनारस में हो चाहे दिल्ली की संसद भवन में हो, आज हम चर्चा दादी का होता है वहाँ पर। और जो बनारस आता है चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो चाची की दुकान पर खाके ही जाएगा। बनारस आना है तो चाची की मुजौड़ी खाना है। देखिए हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, है ना, चाची जी को, और बड़े छोटे छोटे से तब हम लोग आते थे, और लोग जो है कचौड़ी तो खाने आते ही थे और आशीर्वाद लेने आते थे, और दादी एकदम अपनी स्टाइल में ही सबको आशीर्वाद देती थी, है ना, और उसको रोज लोग आते थे, कुछ कड़ा भी बोलती थी तब भी वो आते थे। और भाई फेमस तो है ही, और दादी के ज़माने से है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ना, इसमें इसीलिए तो इतनी भीड़ लगती है, दूर दूर से लोग पूछ के आते हैं कि दादी का जो है वो कचौड़ी कहाँ मिलता है। खाएंगे, हम 50 साल हो गए बेटे, जब माता पिता थे तभी से हम लगे हैं, आज भी लगे हैं, कल भी लगे रहेंगे बेटा। हाँ, बाबू कचौड़ी दो, वो ही आइटम है, 10 रुपये का एक है और 10 रुपये का 50 रन मिलेगी, जिसके पास है वो भी खा लो, जिसके पास नहीं रहता है वो भी खा के जाता है, कोई भूखा पेट नहीं जाता, वो बात अलग है कि खत्म हो जाए तो ना मिले, लेकिन खा के ही जाना है। एक प्लेट 40 का है, 4 पूरी सब्जी की जलेबी, वो कैसी बनती है, खिलाते हैं बताते नहीं, एक बार उतार के रख देते हैं, जब डबल करते हैं थोड़ा खस्ता हो जाता है, खाने में थोड़ा। अब कह रहे हैं रेसिपी बताइए, कह रहे ये नहीं बताइए, हाँ वो चाची बताती, हाँ चाची असल बताती। एक दो कचौड़ी, ये सब्जी, आलू और सीताफल का सब्जी है, हींग का पूरा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, ये है इनकी स्पेशल जलेबी, इसका आप क्रंच सुन सकते हैं, दुकान खुल जाती है 4 बजे, रविवार को 3:30 बजे खुल जाती है, सुबह का नाश्ता है कचौड़ी सब्जी जलेबी सुबह का। अब 12 बजे के बाद यहाँ समोसा लंगड़ाता खस्ता ये सब बिकता है जी।